दिस इज़ अपोस्टल प्रशांत मोसेस, प्रभु का धन्यवाद है। मेरे प्रियो, एक छोटा अर्जेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं आज पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह से लोग निकल कर परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर के लोगों का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, आपको क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप अविश्वासी गिने जाएं, बल्कि ये अच्छा समय है जब लोग कलीसियाओं का विरोध करें, जब लोग परमेश्वर के वचन का विरोध करें, आप खुलकर सामने आएं और परमेश्वर के वचनों का अर्थ बताएं। पिछले समय में हमने देखा कि टीवी एक्ट्रेस भारती सिंह, उसके बाद हम देखते हैं एक ज्ञानी जसवंत सिंह को देखते हैं, और हम एक एमपी को देखते हैं जो रूलिंग पार्टी से है फिलहाल, जिसने परमेश्वर के लोगों के विरोध में, मिशन स्कूल के विरोध में, क्रिश्चियन कम्युनिटी के विरोध में बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आई है। आपको मालूम है जब जब हम ऐसी चीज़ों में पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा समय होता है कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से प्रोक्लेम कर सके, प्रीच कर सके। बिकॉज जब भी हम बाइबल बताती है कि कोई समस्याएं, कोई परीक्षाएं, परमेश्वर के वचन अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हारे सहने से परे, परमेश्वर ने तुम्हें डाला नहीं है, किसी प्रॉब्लम में नहीं डाला। मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब बातों से 2020 में हम जबरदस्त अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में प्रभु की ग्रेटनेस को देखने पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप अपनी टेस्टिमनी में स्टैंड करते हैं, आप कभी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जो लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, जो लोग बेइज्जत हो रहे हैं, प्रभु के वचन की वजह से लोग उन पर हमला कर रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कमाल परमेश्वर के लिए आनंदित हो जाए, क्योंकि प्रभु हमारा महान है और आपको सब परीक्षाओं से बाहर निकलेगा।